हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन के एक बिल्कुल नए फीचर के बारे में, जो कि मैंने अपने आईफोन में, यहाँ पर आप देख सकते हो, दो इमोजीज यहाँ पर अपने स्टेटस बार पे इनेबल कर रखे हैं। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो इमोजीज, यहाँ पर पहला इमोजी अपना येलो कलर का है, दूसरा अपना फायर वाला इमोजी है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आपको चीज बना देगा आपके आईफोन को। बाकी आईफोन्स के मुकाबले आपका आईफोन बिल्कुल अलग दिखेगा। और कैसे अपने इमोजीज को सेट कर सकते हैं किसी भी आईफोन के स्टेटस बार में, सबसे बढ़िया बात यह है कि ये जो मेथड है विदाउट जेलब्रेक मेथड है, हर कोई अपने आईफोन में स्टेटस बार में इन इमोजीज को अप्लाई कर सकता है। सो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो आईफोन में S15 में एक नया फोकस का मोड हमें देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। बट इसमें हमें कलरफुल इमोजीज है वो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर स्टेटस बार में कलरफुल इमोजीज मैंने यहाँ पर अप्लाई कर रखे हैं, बट इसमें आपको कुछ अलग ही एक ही कलर के इमोजीज आपको देखने को मिलेंगे। सो कैसे अप्लाई करने हैं इन बढ़िया से इमोजीज को, कोई भी इमोजी यहाँ पर आप सभी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी फोटोज की एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो उसके बाद आपको कोई भी यहाँ पर वॉलपेपर को आपने सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने ये वाला वॉलपेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर एडिट के ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है। जैसे ही एडिट के ऊपर टैप करोगे तो आपके सामने एक पेन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपने टैप करना है। जैसे ही पेन की ऑप्शन के ऊपर आप टैप करोगे तो आपके सामने प्लस का आइकॉन देखने को मिलेगा बॉटम में, तो इसके साथ आपने प्लस के ऊपर आपने टैप करना है। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट की ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके सामने टेक्स्ट की ऑप्शन आ चुकी है, तो यहाँ पर इसको आपने डिलीट करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर लॉन्ग टैप करेंगे और इसको आपने इमोजीज के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है, जैसे कि मेरे को ये वाला इमोजी यहाँ पर सेट करना है और ये वाला इमोजी यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपली वेट करना है थोड़ी देर के लिए, आपका इमोजी आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर में है आपका इमोजी, इसके ऊपर आपने टैप करना है, ये सिलेक्ट हो जाता है जहाँ पर आपको ये चाहिए आपके आईफोन के टॉप के ऊपर। तो यहाँ पर आपने इसे एडजस्ट करना है, सिंपली आपने पकड़ कर रखना है इस इमोजी को और यहाँ पर आपको इसे सेट करना है, जो कि हमने आईफोन के स्टेटस बार में इसे सेट करना है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो स्टेटस बार के पास आपने जहाँ पर आपके आईफोन के जो सिम कार्ड के आइकॉन हो गए उसके साथ आपने इसे एडजस्ट करना है, अपने हिसाब से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। इसका साइज़ अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पर ए के ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करोगे आपके सामने ये साइज़ की ऑप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पर अपना साइज़ जो है इमोजी का वो बड़ा कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि मेरे को यहाँ पर ओके लगता है इसका साइज इमोजी का। गाइस, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया सेट हो चुका है अपना इमोजी। तो सिंपली आपने इसे टैप करके देखना है कि आपका जो इमोजी है बिल्कुल सही पोजीशन में आएगा या नहीं आएगा, अपने हिसाब से आपने इसे सेट करना है। तो जब आपका ये प्रोसेस डन होता है, डन के ऊपर आपने टैप कर देना है, तो इसके साथ आपने यहाँ पर डन के ऊपर टैप कर देना है, आपका जो वॉलपेपर है वो इमोजी के साथ आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने टैप करना है, इसे सेट करेंगे एज अ वॉलपेपर, तो सिंपली यूज एज अ वॉलपेपर के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर आपने अपने इमोजी को लेकर आना है, छोटा करें इसे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा छोटा करेंगे तो यहाँ पर आपने सेट के ऊपर कर देना है, दोनों के ऊपर, लॉक स्क्रीन के ऊपर भी, होम स्क्रीन के ऊपर भी। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो अपने आईफोन के स्टेटस बार में ये इमोजी जो है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। बिल्कुल बढ़िया मेथड है और हर एक आईफोन यूज़र इसे यूज़ कर सकता है अपने आईफोन में। और इसी तरह से आप अपने किसी भी आईफोन के स्टेटस बार में कोई भी इमोजी ऐसे सेट कर सकते हो। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।